यादों को ताजा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाथ में मोबाइल और कंप्यूटर होने के कारण हर छोटी छोटी चीजें हम इसमें लिखने लगे हैं। बेहतर ये होगा कि हम उसे एक डायरी पे लिखें। अगर शॉपिंग की सूची भी बना रहे हैं तो मोबाइल के नोट्स की बजाय कागज पर लिखें। खास रेसिपी अगर आपको इकट्ठा करने की आदत है तो उसे भी कंप्यूटर में फोल्डर बनाने की बजाय डायरी में लिखें। तो आपको एक मनपसंद डायरी तो आपकी मिल ही जाएगी, साथ में आपकी याददाश्त की शक्ति भी बढ़ेगी। डायरी लिखने की आदत हमेशा डालनी चाहिए। अलग से एक डायरी बनाए, रोज आपको कौन कौन से काम पूरे करने हैं ये भी डायरी में लिखें। सुबह उठने के बाद डायरी में पूरे दिन किए गए कार्य लिखें और उन्हें सोचें कि ये आपने कार्य सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा आपके दिन भर में क्या क्या किया उसके लिए अलग से डायरी बना सकते हैं। इसी तरह से दिन पूरा होने के साथ आपने क्या क्या किया रोज की क्रियाओं की डायरी में लिखें। इससे लिखने की आदत तो बनेगी, साथ में आपको याददाश्त के लिए एक अच्छा सा पिटारा मिल जाएगा। इसी तरह से अखबार हर घर में आता है, तो क्या आप रोज इसे पढ़ते हैं? यदि नहीं पढ़ते तो ये पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे न तो केवल पढ़ने की आदत बनेगी बल्कि जानकारी भी बढ़ेगी। इसी तरह अपने पसंद की किताब सुबह के वक्त पढ़ें। सुबह का समय नहीं है तो आप रात में पढ़ सकते हैं। किताब बदल बदल कर पढ़ें, यानी कि अलग अलग जानकारियों वाली किताब, कभी कहानियों की किताब, कभी निबंध की किताब। ऐसे ही विषय बदल कर पढ़ेंगे तो रुचि तो बनेगी ही, साथ में ज्ञान भी बढ़ेगा। तो लिखने की आदत और पढ़ने की आदत दोनों को आज से ही अपने दिनचर्या में डाल दें।